वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो कहते हैं ना, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती है। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं वो कहते हैं ना। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ सेड दैट, इट इज़ सेड दैट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा इट इज़ सेड दैट, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और बेस से क्लियर हो जाए। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इट इज़ सेड दैट वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट, इट इज़ सेड दैट वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। वो कहते हैं ना, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती है। इट इज़ सेड दैट ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, इट इज़ सेड दैट ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहो वहाँ रहो। इट इज़ सेड दैट वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, इट इज़ सेड दैट वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। वो कहते हैं ना, हमेशा आने वाला मेहमान अपना सम्मान खो देता है। इट इज़ सेड दैट अ कॉन्स्टेंट गेस्ट नेवर वेलकम्स, इट इज़ सेड दैट अ कॉन्स्टेंट गेस्ट नेवर वेलकम्स। वो कहते हैं ना, हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है। इट इज़ सेड दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इट इज़ सेड दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। इट इज़ सेड दैट गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, इट इज़ सेड दैट गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल।